सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ व प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजा चित्रकेतु की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस संसार में मोह माया के बंधन से बंधे थे, जिन्हें महर्षि अंगिरा व देवर्षि नारद ने जीव आत्मा का ज्ञान दिया। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारी आज की कथा को। शूरसेन प्रदेश में किसी समय चित्रकेतु नामक अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनकी रानियों की तो संख्या ही ज्ञात करना कठिन था, इस पर भी संतान से वंचित थे। एक दिन महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु के राजभवन में पधारे। संतान के लिए अत्यंत लालित नरेश को देखकर उन्होंने एक यज्ञ कराया और यज्ञ शेष पर राजा की सबसे बड़ी रानी कृतधुति को दे दिया। यज्ञ का भाग देने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा ऋषि ने उन्हें कहा। जाते जाते महर्षि कहते गए, महाराज आपको एक पुत्र तो होगा, किंतु वह आपके हर्ष तथा शोक दोनों का ही कारण बनेगा। समय अनुसार महारानी कृतधुति गर्भवती हुई, समय पर उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराज चित्रकेतु की प्रसन्नता का तो पार ही नहीं था। पूरे राज्य में महा उत्सव मनाया गया। दीर्घ काल के बाद संतानहीन राजा को संतान मिली, फलतः उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वे पुत्र के स्नेहवश प्रायः बड़ी रानी के भवन में ही रहते थे। पुत्रवती बड़ी महारानी पर उनका एकांत अनुराग बढ़ गया था। फल यह हुआ कि महाराज की दूसरी रानियां कुड़ने लगी। पति की उपेक्षा का उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और इस दुख ने प्रचंड द्वेष का रूप धारण कर लिया। द्वेष में उनकी बुद्धि अंधी हो गई। अपनी उपेक्षाओं का मूल कारण उन्हें वह नवजात बालक ही लगा। अंत में सबने सलाह करके उस अबोध शिशु को चुपचाप ही विष दे दिया। बालक मर गया। महारानी कृतधुति और महाराज चित्रकेतु तो बालक के शव के पास कटे वृक्ष की भांति गिरे हुए थे। पूरे राज सदन में क्रदन होने लगा। तभी रुदन से आकुल उस राजभवन में दो दिव्य विभूतियां पधारी। महर्षि अंगिरा इस बार देवर्षि नारद के साथ आए थे। महर्षि ने राजा से कहा, राजन तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास पहले आया था कि तुम्हें भगवत दर्शन का मार्ग दिखा दूं, किंतु तुम्हारे चित्त में उस समय प्रबल पुत्र की इच्छा देखकर मैंने तुम्हें पुत्र दे दिया। अब तुमने पुत्र वियोग के दुख का अनुभव कर लिया है, यह सारा संसार इसी प्रकार दुखमय है। राजा चित्रकेतु अभी भी शोक मग्न ही थे, वह महर्षि की बात का मर्म नहीं समझ पा रहे थे। वह तो निर्विकार उन महापुरुषों की ओर देखते ही रह गए। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि इनका मोह ऐसे दूर नहीं होगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बालक के जीव को आकर्षित किया। जीवात्मा के आ जाने पर उन्होंने कहा, जीवात्मन देखो, यह तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हो रहे हैं। तुम अपने शरीर में फिर प्रवेश करके इन्हें सुखी करो और राज्य सुख भोगो। सबने सुना कि जीवात्मा स्पष्ट कह रहा है, देवर्षि ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं? जीव का तो कोई माता पिता या भाई बंधु नहीं होता। अनेक बार मैं इनका पिता रहा हूँ, अनेक बार ये मेरे मित्र या शत्रु रहे हैं। ये सब संबंध तो शरीर के हैं, जहाँ शरीर से संबंध छूटा वहीं सब संबंध छूट जाते हैं।
फिर तो सबको अपने ही कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। जीवात्मा यह कहकर चली गई। राजा चित्रकेतु का मोह उसकी बातों को सुनकर नष्ट हो चुका था। पुत्र के शव का अंतिम संस्कार करके वे स्वस्थ चित्त से महर्षियों के समीप गए। देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान शेषनाग की आराधना करने का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से कुछ काल में ही उन्हें शेष जी के दर्शन हुए और वे विद्याधर कहलाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक रोचक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।